तो कैसे हैं आप लोग? सो आई एम वेल वर्स्ड कि काफ़ी दिन का गैप हो गया करंट अफेयर्स में, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल दीज डेज. सो अगर आपको कोई भी डाउट है करंट अफेयर्स, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. टॉपिक मेंशन कर देना नीचे, अगर किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ी सी भी डाउट है, आई विल कवर दैट इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस. ओके, विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद GS पेपर 1 का एनालिसिस. पहला आर्टिकल है, प्रीवियसली अनोन फॉल्ट एट द फुट ऑफ हिमालय डिस्कवर्ड. ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा हमने क्या है कि हमारे बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा. ठीक है, कितनी मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है, कितनी माइनर प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट्स. ठीक है, तो हमने पैसिफिक प्लेट, मेजर प्लेट है जैसे अरेबियन प्लेट, माइनर प्लेट है, तो आप हमने पड़ी हुई हैं प्लेट्स. तो प्लेट्स के आसपास क्या होते हैं? फॉल्ट्स. ठीक है, तो अभी क्या है कि हिमालय के पास एक फॉल्ट मिला है. ठीक है, कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल में मिला है. बोल रहे हैं कि भाई इसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में कोई अगर है तो. आपको पता ही है कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, रिसेंटली 70 मिलियन ईयर्स अगो ही बनी थी वो. ठीक है, अरावली क्या क्या है? रेजिडुअल माउंटेन्स या ओल्ड माउंटेन्स, काफ़ी ओल्ड हैं वो, तो काफ़ी पुरानी बनी हुई है. दे डेट बैक टू द प्री कैम्ब्रियन ईरा इवन. ठीक है, तो हिमालयाज आर रीसेंट. ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि उनमें चेंजेस आते रहते हैं. वो कहते हैं हिमालयाज हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, सो इसीलिए उसमें चेंजेस आते हैं. तो अगर उसमें चेंजेस आएंगे, वो बढ़ेगा, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट है ना, उन्हीं के थ्रू बढ़ेगा. ठीक है, मान लो ये हिमालयाज जैसे चढ़ रहा है और एक ये दूसरा रॉक है जिसके ऊपर ये चढ़ रहा है. ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, तो जैसे कि हिमालय चढ़ेगा, ठीक है, या तो वो इस प्लेट्स को नीचे डिस्पर्स करेगा, ठीक है, जिसका कहते हैं कन्वर्ज या डाइवर्ज. तो अगर हिमालय चढ़ रहा है तो वो कन्वर्जेंस ही होती है. ठीक है, कन्वर्जेंस से चढ़ेगा. ठीक है, तो दो प्लेट्स आपस में क्रश हो जाएंगी. ठीक है, तो दो प्लेट्स आपस में क्रश हो जाएंगी तभी ये बढ़ेगा हिमालयस. सो दिस वाज ऑल फैक्ट अबाउट फॉल्ट्स. सो विल दिस फॉल्ट सिस्टम अफेक्ट इंडिया? बोल तो रहे कि भाई अफेक्ट करेगा. ठीक है, सीज़मिक वेव्स हमारे कुछ रीजन्स नियर द बॉर्डर को अफेक्ट करेंगे. तो फॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर्स बिटवीन टू ब्लॉक ऑफ रॉक्स. ठीक है, अब जैसे ये पैसिफिक ये हो गई, ये प्लेट है. ठीक है, ये लगा, ये पैसिफिक प्लेट है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्लेट्स है ना, तो इनके बगल में यहाँ पे फॉल्ट्स पाए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेट्स है ना, यूजुअली यही मूव करती हैं. जब हमारा पूरा था पैंजिया था, पैंजिया से क्या बना? ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड. ठीक है, जब वो अलग अलग हुआ तो क्या हुआ? तो जो प्लेट्स थी ना, इन्हीं प्लेट्स की जो धीरे 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 मूवमेंट की वजह से ना शिफ्ट होता रहा. पहले इंडिया यहाँ पे नहीं था. ठीक है, ऐसे पहले पूरा एक ब्लॉक था, देखो ऐसे पूरा ब्लॉक था ऊपर वाला, फिर क्या बना? लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना. तो नीचे वाले के पार्ट्स में से इंडिया यहाँ पे माइग्रेट होके एशिया में गया है. ठीक है, तो इंडिया जैसा आज हमें दिखता है वैसा इंडिया पहले नहीं था. फॉल्ट्स अलाउ ब्लॉक्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है, तो इसे क्या होता है, मूवमेंट अगर कोई रैपिडली हो रही है तो उसे अर्थक्वेक कह देते हैं. अर्थक्वेक किस कौन से स्केल पे मेजर करते हैं? रिचर स्केल. ठीक है, RITCHER. एंड अगर स्लोली मूव कर रहा है तो उसे क्रीप कह देते हैं. तो प्रीवियसली भी काफ़ी फॉल्ट डिस्कवर हुए हैं, तो ये नई फॉल्ट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं आर्टिकल में खास. ये है कि फॉल्ट्स बता दिए आपको. फॉल्ट्स आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, तो जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनके मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं फॉल्ट्स. तो तीन तरीके के फॉल्ट हैं, स्ट्राइक स्लिप, नॉर्मल फॉल्ट एंड थ्रस्ट फॉल्ट. ठीक है, तो ये देख लो आप इनकी फोटोज, मैं आपको बाद में बता भी दूंगी. स्ट्राइक स्लिप में क्या होता है? स्लिप ही आ रहा है नाम में, कि भाई स्लाइड करेंगे. ये जो मान लो दो ब्लॉक्स है ना, ठीक है, तो ये आपस में स्लाइड करेंगे. ये इधर स्लाइड हो गया, ये इधर स्लाइड हो गया हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती, हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक ये स्लिप करते हैं आपस में. नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? इसमें स्पेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, मान लो ये हो गई ना, पहले इतनी थी तो अब ये कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी. ठीक है, इसमें स्पेस क्रिएट हो गया. देखो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो गया. द बेसिन एंड रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीकन रिफ्ट जोन के एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने. देन थ्रस्ट रिवर्स रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? वन स्लाइड वन ब्लॉक ओवर ऑन द टॉप ऑफ अनदर. ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाएगा. ठीक है, ये रॉक होगा ना, इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाएगा. ठीक है, जैसे कि हमारे हिमालयस बने, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक रॉक को दूसरे रॉक पे स्लाइड होना जरूरी है अगर उसे चढ़ना है. तो हिमालयस हमारे चढ़ रहे हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो उसे स्लाइड होना पड़ता है. तो वहाँ पे थ्रस्ट फॉल्ट या रिवर्स फॉल्ट होता है. तो स्ट्राइक फॉल्ट आर यूजली वर्टिकल. ठीक है, तो बता रखा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आर यूजली वर्टिकल एंड नॉर्मल्स एंड रिवर्स फॉल्ट आर एंगल टू द सर्फिस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो आई थिंक ये इन्होंने गलत दे रखा है इन्होंने. ठीक है, स्ट्राइक फॉल्ट आर वर्टिकल. लेट मी कन्फर्म, आई विल कन्फर्म एंड टेल यू, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखा है, कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती. ठीक है, हम इसको देख लेंगे, कन्फर्म करके बता देंगे, बाकी आप भी चेक करना एक बार.
देन जी एस पेपर टू का आर्टिकल है विटामिन डी के बारे में, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो अभी बोले क्योंकि क्या है कि कोविड 19 के पेशेंट्स को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी बता रखा है। क्या है कि हम देखो हमारा क्या है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे यहाँ से, ठीक है, इक्वेटर के भी हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और विटामिन डी क्या है, सनलाइट से प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में सिर्फ सन पे खड़े रहोगे ना तो भी हमें विटामिन डी मिल जाएगा। पर क्या है, वो सन भी ऐसे नहीं 12 बजे जाके खड़े हो जाओगे, सुबह का अर्ली मॉर्निंग सन, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच का जो सन होता है सुहावना सुहावना सा, वो रिच इन विटामिन डी होता है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे वाले में तो यूवी रेज ही बहुत ज़्यादा आ जाएंगे आपके पास। सो पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट रेड्स ऑफ 190 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि सनलाइट जब पड़ती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है ना फैट मोटापे वाला, वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्सिडॉल एंड कैल्सिट्रियोल, ठीक है। तो कैल्सिट्रियोल किडनी में एंड कैल्सिडॉल लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे विटामिन डी बन जाता है। तो विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब फैट में डिजॉल्व हो जाता है, बॉडी में जहाँ जहाँ फैट है ना वहाँ पे विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा नहीं निकल जाएगा एकदम से। क्या है कि विटामिन बी और विटामिन जो सी होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मीन्स दे कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि यूरिन में मिक्स हो जाएंगे एंड एक्सक्रीट हो जाएंगे, जबकि विटामिन ए डी ई के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। दिस यू मस्ट रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। रोल क्या है इसका, भाई क्या होता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेशन के लिए कि वी नीड मोर ऑफ द विटामिन डी इन आर बॉडी, सो दिस हेल्प्स द प्रोटेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द डैमेज, ठीक है, बिकॉज देयर ऑल्सो कैल्शियम एग्जिस्ट, प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज, उनकी इन्फ्लेमेशन के लिए भी, क्योंकि कैल्शियम वहाँ भी ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जब हमें इंजरी हो जाती है, फॉर द मतलब हीलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ मतलब उसमें क्या है कि थोड़े थोड़े छेद होने लगते हैं, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसको भी कम करता है। अब हमारी हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी है, कैल्शियम, तो और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए कौन ज़रूरी है, विटामिन डी। सो इन टर्न विटामिन डी ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्टियोपोरोसिस क्योर। सो कंसर्न्स क्या है कि भाई विटामिन डी डिफिशियंसी अफेक्ट कर सकते कोविड 19 के पेशेंट्स को, ठीक है, आई एम सॉरी। तो सप्लीमेंटेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन अबंडेंट सनशाइन है, तो हमें क्या है कि लोगों को वैसे ही हमें अवेयर कराना चाहिए कि भाई 7 से 8 के बीच में धूप में खड़े रहो, वरना आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने ही पड़ेंगे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, गिविंग द डेफिसिट ऑफ विटामिन डी, पहली बात सप्लीमेंट्स, तो दूसरा डाइट, ठीक है, डाइट इस तरीके से करो जो ज़रूरी हो। अब डाइट का तो आपको पता ही है क्या हालत है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना चल रही है, ठीक है, सब्सिडाइज फूड भी दिया जाता है, पर उसमें कहीं विटामिन डी अब इतना ज़्यादा रोटी में, वीट में, राइस में नहीं होता है, ठीक है, विटामिन डी, सो वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हम एक छोटी सी अवेयरनेस से हम लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कर्व कर सकते हैं। सो दिस रिक्वायर्स मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग डोसेज फ्रीक्वेंसी, तो ये बता रखा है, कुछ खास नहीं। विटामिन डी ध्यान रखना कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंड फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन मेक द राइट कॉलन मालाबार गोइंग क्वाड, हम मालाबार के बारे में पहले ही कवर कर चुके हैं आर्टिकल, ठीक है, तो जो मालाबार ग्रुप है, क्या हुआ था कि जो ये मालाबार कब सबसे पहले फॉर्म हुआ था, फर्स्ट टाइम इन 19 लेट मी शो यू, हाँ, मालाबार एक्सरसाइज क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की एक्सरसाइज है, बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन 1992, ठीक है, तो पर उसमें क्या है, जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया 2015 में। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो क्वाड ग्रुप है हमारा एक, जिसमें क्वाड ग्रुप में कौन है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। वो कह रहे हैं कि इंडिया, यूएसए और जापान तो मालाबार में ऑलरेडी हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो क्वाड ग्रुप होगा ना, उसका एक मिलिट्री फॉर्म हमें दिखेगा, मिलिट्री अलायंस दिखेगा इन फॉर्म ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। सो ये उनको आइडिया आया, तो यही बोल रहे हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लेंगे। फिर क्या है भाई, चाइना को क्यों कंसर्न हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वाड ग्रुप किस बनाए, किसके लिए, चाइना की प्रेजेंस जो पैसिफिक ओशन में, उसको कंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनको क्या पैसिफिक से काफ़ी मतलब होता है और इंडियन ओशन से भी काफ़ी मतलब होता है। सो इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा अपोज करता है इस कोलेशन को, एंड इट सीज मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल जो ये क्वाड है एज एशियन नेटो, ठीक है, दैट सीक्स टू कंटेन्स द चाइना राइज, तो नेटो की तरह ही है,
उसको मानता है एंड उसकी चाइना की राइस को सोचता है कि काउंटर करने के लिए. आपके लिए आज का क्वेश्चन आप मुझे नेटो कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है, कब बना था. एट द टाइम ऑफ स्ट्रेंड बायलेटरल टाइज विद चाइना, इंडिया इंटेंशन टू इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलिया इन मालाबार ड्रिल कुड बी अ मूव डायरेक्टेड अगेंस्ट बीजिंग. उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा कि भाई हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, सो ऑस्ट्रेलिया को हम ऐड कर सकते हैं. इंडिया के लिए क्या दिक्कत है, इट इज़ भाई मैनी इंडियन एनालिस्ट बिलीव दैट टाइम इज़ राइट फॉर इंडिया टू शेड इट्स ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस इन मैरीटाइम डोमेन. हम हमेशा क्या डिफेंसिव रहे हैं, तो हमारी वो जो ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस है उसको हटा देना चाहिए. एंड रियलिस्ट एडवोकेट अलायंस विद यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइनीज मूव्स इन द इंडियन ओशियन. इससे क्या होगा कि चाइना पे प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, अब क्या है कि श्रीलंका पे हम बंद होता पोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने चाइना क्या हुआ कि श्रीलंका पे नहीं कर पाया पैसा. ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया पहले, तो वो पे नहीं कर पाया. उन्होंने कहा हम बंद होता पोर्ट दे दो हमें, ये श्रीलंका है तो यहाँ पे हम बंद होता पोर्ट पड़ता है. तो क्या है कि वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं इंडियन ओशियन में ये करके, है ना. तो इसीलिए इसको क्या है कि हमें काउंटर करने के लिए हमें एक ग्रुप डेफिनेटली बनाना पड़ेगा ताकि उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए. एट द टाइम व्हेन अभी हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो हमें ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है मालाबार एक्सरसाइज के लिए. दिस सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. इफ़ चाइना रिस्पॉन्ड थ्रू द एग्रेसिव पोस्चरिंग इन द इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशन, इट कुड नीडलेसली ओपन अ न्यू फ्रंट फॉर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. कि अगर वहाँ पे दिक्कत करते जैसे उन्होंने लद्दाख में किया कि ईस्टर्न जो इंडियन ओशन है, ठीक है, चाइना ये श्रीलंका के आसपास वाला एरिया, तो वहाँ पे भी बाद में दिक्कत कर सकता है चाइना. तो वो वहाँ पे हमारा नेवल भी हम एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे. बिसाइड कॉपरेशन विद यूएस एंड जापान विदाउट अटेंडेंट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल नॉट इंप्रूव इंडियन नेवी डेटरेंस पोटेंशियल. ठीक है, क्या होगा, कॉपरेशन होगी जब यूएस एंड जापान की, क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे. जब हम तीनों मिलके अगर हम कोई एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बताएगा अरे भाई इंडिया वालों तुम्हारी यहाँ कमी है, यहाँ देखो, तो वो पता चल जाएगा. एंड फिर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमें काफ़ी मदद मिलेगी. इन ऑपरेशनल टर्म्स इट माइट बी प्री मेच्योर फॉर डेली टू इनिशिएट मल्टीलेटरल इंगेजमेंट विद क्वाड पार्टनर्स विद स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना इन ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया हॉटिंग अप. ठीक है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मिलिट्री क्वाड विल बी यूज टू ड्रॉ इंडिया इन टू सिक्योरिटी डायनेमिक्स ऑफ एशिया पैसिफिक. ठीक है, कि जो एशिया पैसिफिक मतलब अगर हम उससे अलाइन हो गए तो फिर ये मैसेज जाएगा आशियान कंट्रीज़ पे कि भाई इन्होंने RCEP ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो अभी ये अगेंस्ट है, तो हो सकता है कि चाइना उनको ल्योर करने की कोशिश करे, ठीक है, आशियान कंट्रीज़ को भी. सो दिस विल क्रिएट अ मेनी मोर डायनेमिक्स. तो अभी इतनी बीरबल की खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो हुआ है उसका इम्पैक्ट देखते हैं. कंक्लूजन क्या है, न्यू दिल्ली शुड नॉट साइन अप टू कोऑर्डिनेटर एंगेजमेंट विदाउट कॉस्ट बेनिफिट. कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए कि भाई हम कितना इन्वेस्ट करें और कितना हमें फ़ायदा होगा. ठीक है, तो ये वही बता रखा है कि अगर कोई पॉलिटिकल सेंसिबली भी दिख रहा है कि भाई हाँ अच्छा होगा अगर ऐसा बन जाएगा, कुड बी ऑपरेशनली इम्प्रूडेंट. ठीक है, ऑपरेशनली कल को पता चले कि ये तीनों ने ही इंडिया पर अटैक कर दिया, ठीक है, जापान यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, सो दिस कैन ऑल्सो हैपन एंड दे कैन ऑल्सो टेक आर मतलब जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है दे कैन ऑल्सो हैक इट ऑल्सो. सो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन में कौन है, जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस हम पढ़ चुके हैं, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ चुके हैं. देन वॉट इज़ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ. सो क्या है कि भाई जो तमिलनाडु में जो अनफॉर्चुनेट केस हुआ था कि फादर एंड सन के इनकी दोनों की डेथ हो गई थी इन द कस्टडी बिकॉज दे वर टॉर्चर्ड लाइक हेल. सो वॉट कॉन्स्टिट्यूट टॉर्चर बता रखा है, टॉर्चर इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड. तो हमारे यहाँ डिफाइंड नहीं है, बट हमारे यहाँ क्या डिफाइन है, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट. ठीक है, तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन साफ साफ लिखा रखी है. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका इंटरनेशनल प्रोविजन क्या है, जो अंकैट है ना. ठीक है, अंकैट क्या है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड पनिशमेंट. ठीक है, तो अंकैट नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिससे वो प्रिवेंट करता है टॉर्चर एंड अदर एक्ट्स जो क्रूअल है या इनह्यूमन है. ठीक है, एंड जो पनिशमेंट को मतलब ज़्यादा मतलब एक हीनियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जिसे कह सकते हैं, टॉर्चर इज दैट सॉर्ट ऑफ. द कन्वेंशन रिक्वायर स्टेट टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट टॉर्चर इन एनी टेरिटरी जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है, एंड फॉरबिड करेंगे स्टेट्स को टू ट्रांसपोर्ट पीपल टू एनी कंट्री कि जो उनको ऐसा लगेगा कि वहाँ जाके इनका टॉर्चर होगा. सो कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 10 December 1984 एंड फोर्स में आई 1987 में. तो 26 June इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर बनाया जाता है. ठीक है, तो क्या है कि जो हमने अंकैट है ना, हमने इसको साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया. तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ. साइन करवाने का क्या मतलब होता है कि भाई मैं गया, ठीक है, अंकैट मान लो जिनेवा में हो रहा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, तो मैं वहाँ पर गया एंड ये कॉन्फ्रेंस हुई 1984
4 में था, मैं वहाँ पे साइन कराया कि ठीक है मेरे को अच्छा लगा, मैंने मान लिया। रेटिफाई करने का क्या मतलब है? अगर मैंने साइन कर दिया और मैंने वापस अपनी कंट्री में आके उससे रिलेटेड लॉज बनाए, ठीक है, तब उसको रेटिफिकेशन कहेंगे। तो हमने साइन तो किया है पर रेटिफाई नहीं किया, मतलब टॉर्चर से रिलेटेड हमारे यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा कि आईपीसी में भी उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो आईपीसी में डिफाइन नहीं है तो मतलब कोई लॉज ही नहीं है ना, क्योंकि चीज़ों को लॉ बनाने से पहले उनको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। सो अबाउट द कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर, तो कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर भी है, आप पूरी संस्था है तो कमेटी भी होगी, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स की बॉडी है जो ये देखती हैं कि भाई ये जो कन्वेंशन लोगों ने साइन की है, रेटिफाई की है, वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं नहीं। द कमेटी इज़ वन ऑफ द 8 UN लिंक्ड ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बॉडीज। सो ऑल स्टेट पार्टीज ऑब्लाइज जो इस कन्वेंशन के तहत है उनको रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है एंड कैसे कैसे वो राइट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड अपॉन रेटिफाइंग कन्वेंशन स्टेट मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर उनको हर 4 साल बाद देनी पड़ेगी, पर जैसे आपने साइन किया तो हर पहले ही साल में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं भाई कि टॉर्चर हमारे यहाँ डिफाइंड नहीं है पर हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट डिफाइंड है, जिससे कि और मोर मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है कि डेफिनेशन ऑफ हर्ट में अभी तक मेंटल टॉर्चर को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल टॉर्चर इंक्लूडेड है या इन्वायरमेंटल कोअर्शन, इस तरह की इन्वायरमेंट बना लो, मान लो कि अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसकी तुम रूम में से ऑक्सीजन छीन लो, ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़्यादा फैला रहे, सो दिस इज़ अ इन्वायरमेंटल कोअर्शन और टॉर्चर, ठीक है। तो उसको भी एम्बिट ऑफ टॉर्चर में लाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ें देखो आप इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में डाल सकते हो आंसर राइटिंग में, कि भाई पहले तो हमें अंकैट को रेटिफाई करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ लॉस बन सके, दूसरा हमें मेंटल टॉर्चर को भी इंक्लूड करना चाहिए ड्यू टू द थिंग, मतलब कि आजकल जो मेंटल डिजीजेज है, डिप्रेशन है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों में, सो मेंटल टॉर्चर मस्ट ऑल्सो भी इंक्लूडेड बिकॉज दिस मेंटल टॉर्चर सीन इज मोर इन द कॉलेज एरियाज, यू नो व्हाट आई मीन। एंड वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेक्शन, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। कन्फेशन कराने के लिए ग्रीवियस हर्ट करवाते हैं तो वो भी मेंशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में, इशू की है गाइडलाइंस कि पुलिस को ये फॉलो होना चाहिए, मतलब SOPs बताए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन ऑल केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो नीला बट्टी बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ ओरिसा में कोर्ट मेड श्योर दैट स्टेट कुड नो लॉन्गर एस्केप लायबिलिटी इन पब्लिक लॉ एंड हैड टू बी कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन, ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। कि और ये भी बोला गया पुलिस में अगर कोई गिल्टी फाउंड करेगा उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो बात ये है ना कि गिल्टी पाया जाएगा तो गिल्टी ही नहीं पाया जाएगा तो क्या कर लोगे। एंड हमने क्या पढ़ा था, होमिसाइड के बारे में भी पढ़ा था, तब कि भाई तब तक उसको होमिसाइड के लिए चार्ज करेंगे जब तक उस पर चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती। ऑब्जर्वेशंस बाय द लॉ कमीशन 262 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने बोला डेथ पेनल्टी बी अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है। तो उस तरीके में डेथ पेनल्टी ही, वो जो हमने पढ़ा था ना, हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में, कैपिटल पनिशमेंट, कि भाई डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर देनी चाहिए। 273 रिपोर्ट ऑन द लॉ कमीशन रिकमेंडेड रेटिफिकेशन, वही बता रहा ना कि लॉ कमीशन ने भी बोला है तो हम भी अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है, साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया। अदर सेफगार्ड्स क्या है, हमारा जो CRPC कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी चाहिए अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो, ठीक है, ताकि वो अनबायस्ड हो। NHRC क्या कहता है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑटोप्सी, ठीक है, ऑटोप्सी भी हो, ऑटोप्सी क्या होता है कि बंदे को चीरफाड़ कर देते हैं मारने के बाद, जब वो मर जाता है उसके बाद पता चलता है उसकी रीज़न ऑफ डेथ, सो दैट इज़ ऑटोप्सी, उसको कैमरा के सर्वेलेंस पे होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए NHRC कॉमन सेक्शन में बताएंगे, व्हाट नीड्स टू बी डन, कि भाई इन्वेस्टिगेशंस हो एंड प्रोसिक्यूशंस होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए, ठीक है, लॉज इंप्लीमेंट करो, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन फेयर हो। पुलिस को बेहतर ट्रेन करना चाहिए ताकि वो 3 डिग्री का यूज़ ना करके साइंटिफिक स्किल्स का यूज़ करें। ये तो बहुत बार मांग उठती रहती है कि भाई फॉरेंसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड ये जो कमीशन की रिपोर्ट है उनको नेसेसरी रिफॉर्म्स के तहत लाना चाहिए। देन हमारा सोलर ऑर्बिटर के बारे में है, ठीक है, सोलर ऑर्बिटल जो इस फरवरी को लॉन्च किया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट उसने पहला सन की फ़ोटो निकाली, ठीक है, 48 मिलियन माइल्स के आसपास पहुंचा सन के पास, ठीक है, एंड फिर उसने फोटो ले ली, ठीक है, चुपके से। तो क्या निकाला कि मिनी फ्लेयर्स ऑन द सन दैट साइंटिस्ट आर कॉल्ड कैंप फायर्स, ठीक है, एक तो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, उसके बाद उसने मिनी फ्लेयर्स भी बोला जिसका साइज 1/10, 1 मिलियंथ, मतलब बहुत छोटा साइज है ऑफ द मैसिव फ्लेयर्स जो सन से इमर्ज होती है, ऐसे मतलब जटाएँ ऐसे सन की, सोलर फ्लेयर्स जिन्हें कह देते हैं ना, सोलर स्ट्रॉम, ठीक है। दीज स्मॉल फ्लेयर्स हैव समथिंग टू डू विद द हीटिंग प्रोसेस जो कोरोना को दैट मेक्स कोरोना द सन आउटर एटमोसफेयर, तो कोरोना सन का आउटर एटमोसफेयर है, इनर मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो क्या है कि सन का आउटर सर्फेस इनर सर्फेस से ज़्यादा हॉट है, जबकि अर्थ का आप देखते हो ना कोर ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा हीटेड है, बट दिस इज़ द रिवर्स देयर।
तो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन सन एटमॉस्फेयर, क्योंकि इतनी मैग्नेटिक एनर्जी है सन एटमॉस्फेयर में तो इंटेंस ब्राइटनेस होती है, ठीक है, उसको सोलर फ्लेयर्स कह देते हैं। फ्लेयर्स फाउंड इन एक्टिव रीजन्स जिनको सनस्पॉट कहते हैं, ठीक है। सनस्पॉट्स क्या होते हैं, इनका टेम्परेचर कम होता है दैन द बॉर्डरिंग, मतलब ये लगा लो ये है ना चांद पे दाग होते हैं, वैसे ही सूरज पे सनस्पॉट्स होते हैं, ये लगा लो, तो काले धब्बे होते हैं जिनका टेम्परेचर बाकी जगह से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर्स माने जाते पाए जाते हैं। ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर्स सन रिलीजेस बोस्ट ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल दैट इनहेंसेज सोलर विंड, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो सोलर विंड बनाते हैं, ठीक है। और ये जब पार्टिकल अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर, जो अर्थ का एटमोसफेयर है, उसके पास आके टकराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। इससे उससे क्या होता है, हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सैटेलाइट है उनकी मूवमेंट हैम्पर होती है। तभी तो बोलते हैं जब ये सोलर मतलब ग्रहण वगैरह लगता है तब हमारे ये जो कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। कोरोना क्या होता है, सन का आउटर मोस्ट लेयर है जो मिक्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ इन द आउटर स्पेस एक्सटेंड करता है। टेम्परेचर तो खूब ही ज़्यादा है, मोर देन अ मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आफ्टर मैनी डिकेट्स फिजिकल मैकेनिज्म दैट हीट कोरोना आर स्टिल नॉट फुल अंडरस्टूड, तो अभी तक नहीं बताया गया। तो हमारा क्या है कि हमने एक अपना सिपाही भेजा हुआ है सोलर ऑर्बिटर मिशन, वो बताएगा, ठीक है, किसका है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है, ठीक है। कहाँ से, केप कार्निवल ऑन द यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट में इसको फरवरी 2020 लॉन्च किया गया था। इट वॉज सिलेक्टेड एज फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑन ESA कॉस्मिक विजन 2015 से 2025 प्रोग्राम में। तो फर्स्ट मिशन है जो सन की नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बताएगा, ये सन का नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसके घूम घूम के बताएगा कि भाई उनकी पोजीशंस बताएगा। 7 साल का मिशन है, ठीक है। एंड ये कोशिश करेगा 26 मिलाने की, अभी तक 46 पे पहुंचा, 26 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे मैम जल तो नहीं जाएगा, नहीं नहीं, टाइटेनियम शील्ड है, ठीक है, हीट शील्ड है जो कैल्शियम फॉस्फेट से उन्होंने शील्ड की हुई है, उससे ये बच जाएगा। 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये झेल सकता है, वरना जल जाएगा और क्या करेगा, ये क्वेश्चंस निकालेगा। तो अभी क्वेश्चंस को आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब आंसर्स आएंगे तब हम इसको पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो यही था आज का डिस्कशन, ठीक है। आई होप कुछ आर्टिकल्स रह रखे थे, ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर कुछ बचा होगा आई कवर इट डाउन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।